आज हम आपके लिए लेके आए तीन बड़ी अपडेट जो कि हैं सौरभ जोशी ब्लॉग, मिस्टर इंडियन हैकर और दीपक जोशी ब्लॉग के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। जी हाँ, यदि आप ब्लॉगिंग के हैं शौकीन तो इनके बारे में आपकी राय बिल्कुल ही होगी, तो आपको बताना चाहूंगा आप वीडियो को ना करें स्किप और वीडियो को पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं बहुत मस्त गुड न्यूज के साथ में, एक बहुत बड़े अचीवमेंट के साथ में। तो हमारे चैनल पे कंप्लीट हो चुके हैं 100 वीडियोस पे 10 मिलियन व्यूज, मतलब 108 वीडियोस पे हमारे 10, वैसे तो हैं 30 मिलियन 20 मिलियन भी, लेकिन 100 वीडियोस पे 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। तो हाँ, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट कर। सौरभ जोशी की ये अचीवमेंट बहुत अच्छी है, इसके साथ साथ इनके साथ एक बहुत बड़ा कांड भी हो गया। इनकी जो जो ये थार ले जा रहे थे तो एक सब्सक्राइबर ने इनकी थार में अपनी बाइक से ने ठोंक दी, जो इनका ही सब्सक्राइबर है। देखते इनकी अगली वाली क्लिप में जो आपको बता। आज गाइस फिर से मेरी गाड़ी ठोक दी किसी ने, और आज सब्सक्राइबर ने ठोकी है। एक सब्सक्राइबर था उस बाइक पे और वो फॉलो कर रहा था, हाई भी कर रहा था, फोटो भी खींच रहा था मेरी जो कि बाइक पे था, और पीछे से एकदम से आया, पता नहीं कि कहां ध्यान था उसका, मेरे पीछे थार में ठोक दिया। ये देखो, ये तोड़ दिया, ये पूरा तोड़ दिया, ये टूट गया पूरा, ये टूट के गिर गया ये। अब ये पूरा चेंज कराना पड़ेगा मुझे। चलो मैं तो ठीक करा लूंगा अपनी गाड़ी, चलो वो तो कोई बात नहीं, मान लो कुछ और हो जाता, लग जाती उसको फिर भाई, रोज रोज पता नहीं क्या हो रहा है ये, इसीलिए अब रोड में निकलने में डर लगता है मुझे। ये देखो फिर भगा के ले आ रहे, और बाइक थी R1। सौरभ जोशी की ये दो अपडेट के बारे में हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं दीपक जोशी ब्लॉग की। जब दीपक जोशी अपने Q&A कर रहे थे तो एक सब्सक्राइबर ने उन्हें पूछ लिया क्या सौरभ जोशी बेस्ट हैं या सोनू भैया, तो इसके बारे में दीपक जी ने अपनी पूरी राय डिस्कस की है, जो कि आज की जो आगे वाली क्लिप है उसमें आपको बताना है कि उनका इसके बारे में क्या क्या ओपिनियन है। तो आप कृपया इस क्लिप को देखें। सौरभ जोशी वर्सेस सोनू भैया, योर ओपिनियन। भाई मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, देखो हर किसी की अपनी अपनी सोच है और हर किसी में फ़र्क होता है ना, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। देखो सोनू भैया अपनी जगह सही होंगे या सौरभ भाई अपनी जगह सही होंगे, हर कोई अपनी अपनी जगह सही है भाई। देखो अब उसमें हम क्या ओपिनियन, जैसे अगर मैं कोई ओपिनियन दूँ फिर कोई कुछ और बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा, मैं कुछ और बोलूँगा, तो सही नहीं है। क्यों किसी चीज़ को फैलाना है ना, जो चीज़ जितनी जल्दी शॉर्ट आउट हो जाए वो चीज़ उतनी अच्छी है। अब लास्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। जी हाँ, मिस्टर इंडियन हैकर के टीम मेंबर थे मिस्टर दलवीर सिंह रावत, जिन्होंने एक पोस्ट की और उन्होंने अपने सभी मेंबरों की एक फोन की जो क्लिप है उसको साझा किया। क्या आप इसमें बता पाएंगे कि मिस्टर इंडियन हैकर का इसमें कौन सा मोबाइल है, चिल बाबा चिल का इसमें कौन सा है और दलवीर सिंह का इसमें से कौन सा मोबाइल है? यदि आप बता सकते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बता।